अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से बताया गया था कि सत्ता की लोलुपता के आकंट में डूबे हुए हैं, वो प्रमाण अब हाई कोर्ट ने भी दे दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल के लिए सत्ता पहले है, राष्ट्रहित बात में है, राष्ट्रहित को दरकिनार कर देते हैं, राष्ट्रहित से उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं होता। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने राजनीति की शुरुआत की थी, सुचिता, सहजता, सरलता और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाकर मुखर रूप से उन नेताओं के खिलाफ आवाज उठाई थी जो भ्रष्टाचारी थे, जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए थे, यानी कांग्रेस के तमाम ऐसे नेताओं के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जमकर आरोप लगाया करते थे और वो कहते थे 2010 में जब आंदोलन शुरू किया था कि अगर कोई भ्रष्टाचारी नेता है तो तुरंत उसे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। वही अरविंद केजरीवाल आज जेल में बंद हैं, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दे रहे, मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। और जब दिल्ली की जनता परेशान हो रही है, दिल्ली की के बच्चे परेशान हो रहे हैं, तब दिल्ली हाई कोर्ट के जज को बहुत सख्त और तल्ख टिप्पणी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ करनी पड़ी। अरविंद केजरीवाल को यहां तक कह दिया कि राष्ट्रहित इनके लिए सर्वोपरि नहीं है, इनको सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसा है भी कि दिल्ली की जनता इतनी ज्यादा अधिक परेशान हो रही है, आप समझ सकते हैं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, लेकिन मुख्यमंत्री की कमान दिल्ली की अरविंद केजरीवाल के हाथ में है, अरविंद केजरीवाल जेल में है और जेल में रहने के साथ कैसे दिल्ली की जनता आए दिन रोज मुसीबतों से, मुश्किलों से जूझ रही है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि एक मुख्यमंत्री जब जेल में है तो कैसे वो सारे निर्णय लेता होगा, किस प्रकार से वो अपने कार्यप्रणाली को क्रियान्वयन करता होगा, वो साफ तौर पर समझा जा सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि 2 लाख बच्चों को, दिल्ली के प्राथमिक स्कूल के जो बच्चे हैं उनको पाठ्य सामग्री नहीं बटी है, अब उन बच्चों का भविष्य क्या होगा, इस पर जो है बहुत बड़ा सवाल है कि वो बच्चे कॉपी किताब के बिना, पाठ्य सामग्री के बिना कैसे स्कूल जाते होंगे, या स्कूल आते भी होंगे तो बिना पाठ्य सामग्री के वो कैसे पढ़ पाते होंगे। यानी एक मुख्यमंत्री के जेल में रहने से पूरी दिल्ली की व्यवस्था ध्वस्त पड़ी है। इस भीषण गर्मी में दिल्ली में पानी की किल्लत हो सकती है, दिल्ली में लोग भीषण गर्मी में पानी के बिना जो है प्यास से तड़प सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, लेकिन ऐसे मामले पर भी, ऐसे मुद्दे पर भी आम आदमी पार्टी के नेता कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी नहीं सोच रहे हैं, और वो मुख्यमंत्री की जो कमान है वो अपने किसी भी नेता को देना नहीं चाहते। इसी के कारण दिल्ली हाई कोर्ट को तल्ख टिप्पणी कहनी पड़ी। और जब उन्होंने कहा कि कैसे बच्चों की के ड्रेस नहीं बट रहे हैं, वर्दियां नहीं बट पा रही हैं, तो हाईकोर्ट को यह कहना पड़ा, क्या इसकी जिम्मेदारी हाईकोर्ट ले, क्या ये सब बंटवाने की व्यवस्था या दिल्ली की और व्यवस्थाओं को हाथ में लेने का काम हाईकोर्ट करेगी। ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि दिल्ली की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल को किसी भी नेता पर, अपनी पार्टी के किसी भी नेता पर तनिक भी विश्वास नहीं है कि उसे दिल्ली की कुर्सी दे दे, दिल्ली की जिम्मेदारी दे दें, और वो कहें कि जब तक मैं जेल में हूं तब तक आप दिल्ली की जिम्मेदारी संभालिए, दिल्ली की व्यवस्थाओं को ठीक करिए, दिल्ली के लोगों को परेशान मत होने दीजिए, दिल्ली में अगर कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए सुचारू रूप से व्यवस्था संभालने की कोशिश करिए। लेकिन ये निर्देश देना तो दूर, मुख्यमंत्री की कुर्सी से ऐसे चिपके हुए हैं अरविंद केजरीवाल, ऐसे चिपके हुए हैं कि सारे सिद्धांत को वो दरकिनार कर रहे हैं, सारे नियम और कानून को उन्होंने ताक पर रख दिया है, और इसीलिए हाई कोर्ट को नाराजगी जतानी पड़ी। अब आप समझिए कि सत्ता से कैसे ये जुड़े हैं, सत्ता के प्रति इनकी का कैसे लगाव है, और सत्ता को क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसका मूल कारण यही है कि जिस राजनीति को वो शुरू कर रहे थे और जो पाठ लोगों को पढ़ा रहे थे, जिसके बारे में बता रहे थे कि राजनीति एक ईमानदार वाली होनी चाहिए, परिवारवाद नहीं आना चाहिए राजनीति में, राजनीति में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो निर्णय ले तो राष्ट्र के लिए निर्णय ले, देश के लिए निर्णय ले, ये सारी बातें अरविंद केजरीवाल लगातार कहते रहे, भारत माता वंदे मातरम का जयघोष लगाते रहे आंदोलन के समय, तो सबसे बड़े राष्ट्रभक्त बनने वाले अरविंद केजरीवाल
आज सत्ता से ऐसे चिपके हुए हैं, सत्ता की लोलुपता में ऐसे आकंठ डूबे हुए हैं कि वो सारे नियमों को ताक पर रख रहे हैं, दिल्ली के लोगों को परेशानी में डाल रहे हैं, दिल्ली के लोगों की जो व्यवस्थाएं हैं जो सुचारू रूप से चलनी चाहिए वो सब व्यवस्थाएं बेपटरी कर दी है। ये भी टिप्पणी, तल्ख टिप्पणी दिल्ली हाई कोर्ट के जजों ने दी है और उसके बाद भी एकदम जो है टस से मस नहीं होने वाले। अभी दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज वो मिलकर आए, उनसे बातचीत हुई तो थोड़ा बस निर्देश दे पाए, अरविंद केजरीवाल की पानी की व्यवस्थाएं ठीक रखिए। अरविंद केजरीवाल ने निर्देश दिया कि अपने विधायकों को कहिए वो जनता के बीच में जाएं, संपर्क करें, ये बात ठीक है, लेकिन जब तक बाहर रहकर कोई मुख्यमंत्री दिल्ली की व्यवस्था को नहीं संभालता तब तक दिल्ली की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं चल सकती। तो ये बात फिर से साबित हो रही है, इससे पहले भी कई वीडियो हम डाल चुके हैं जिसमें हमने कहा है कि अरविंद केजरीवाल का सिर्फ ध्येय है कि सत्ता को पकड़े रहना, दिल्ली की कुर्सी नहीं छोड़ना, चाहे दिल्ली की जनता, दिल्ली के लोग कितने भी परेशानी में।